तो रथ खींचने के लिए आई हूँ, जगन्नाथ का रथ। और हम लोग का राउरकेला में भी बहुत सुंदर रथ होता है। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? देखो मैं टार्जन। टार्जन मेरे ऊपर लात मार दिया। तो आज रथयात्रा, तो रथयात्रा के लिए मैं बनाई हूँ अरवा चावल का, अरवा चावल और यहाँ साग बना है, और हमारा उड़ीसा का फेमस डिश डालमा बना है। तो इतना, और आमला जो कल बनाई थी खट्टा वो रखा हुआ है, वो भी दे दूँगी खाने के लिए। तो मेरा लंच में आज इतना ही। साईराम दोस्तों, कैसे आप सब, आशा करते हो अच्छे होंगे। प्रणाम, स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी मैं आ गई हूँ, घर का काम ख़त्म करके खाना वाना खा के भी आई हूँ रथ यात्रा देखने। तो रथ खींचने के लिए आई हूँ, जगन्नाथ का रथ। और हम लोग का राउरकेला में भी बहुत सुंदर रथ होता है हम लोग का कॉलोनी में, तो मैं आई हूँ देखने। तो यहाँ हो रहा है अभी जगन्नाथ के सामने जो देवदासी डांस करते हैं, तो डांस हो रहा है अभी। तो आप लोग देखिए कितना सुंदर डांस हो रहा है, मतलब सब देख के, सबको ही देख के पूरा विभोर हो गए हैं देख के उनका डांस। तो आप लोग देखिए कितना सुंदर डांस कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रथयात्रा में कहीं पे जूस बांट रहे हैं, कहीं पे प्रसाद बांट रहे हैं। तो जगह जगह पे बहुत जूस, दही, पानी सब ऐसे करके बांट रहे थे, क्योंकि बहुत गर्मी भी हो रहा था। तो कहीं पी के मतलब ये बांट रहे थे, कोई पैसा देके ख़रीदना नहीं पड़ रहा, जो देते ना सब सेवा कर रहे थे लोग, सब भक्त लोग का सेवा के लिए ये लोग बांट रहे थे।
तो दोस्तों यहाँ देखिए हम लोग का मेरा शहर का रथ, तो एक ही रथ होता है, एक ही रथ में तीन भगवान बैठते हैं। पूरी में तीन रथ होता है पर हम लोग का यहाँ एक ही रथ होता है, एक ही रथ में तीन भगवान बैठे हुए हैं। और कितना वक्त है देखिए, कितना भीड़ है, जैसे पूरी में भीड़ है हम लोग का यहाँ भी भीड़ है। तो पूरी के जैसा तो नहीं होगा, फिर भी बहुत भीड़ है, जो पूरी नहीं जा पाते हैं, नहीं ये कर पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ कर लेते हैं। तो हम लोग का रथ देखिए, हम लोग का रथ भी बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ शुरू हो गया हम लोग का रथ खींचना। तो यहाँ देखिए कितना भक्त लोग रथ खींचने के लिए खड़े हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, सब रथ अभी खींचा जाएगा हम लोग का। तो आप लोग देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है। तो यहाँ देखिए कितने सारे लेडीज जगन्नाथ के प्रेम में पूरा विभोर होके कैसे डांस कर रहे हैं। वो लोग भी पूरा मतलब बहुत आनंद उठा रहे हैं, वो लोग कितना भगवान के लिए मतलब कुछ भी कर लो कम होगा। तो वो लोग देखिए कितना डांस, कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे आनंद ले रहे हैं डांस करके। हम लोग भी रथ के साथ साथ ही चल, मैं भी जा रही हूँ रथ के साथ साथ ही जा रही हूँ। वो लोग भी डांस करते करते जा रहे हैं और हम लोग भी रथ के साथ ही साथ चले जा रहे हैं। चल चल के हम लोग गए पूरा मौसी माँ के घर तक। तो आप लोग देखिए
तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा किशन कन्हैया बन के डांस कर रहा है और उसके चारों साइड सब राधा लोग, मतलब क्या बोलते हैं, किशन कन्हैया का सब प्रेसी, वो लोग सब डांस कर रहे हैं उसके साइड में। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर भी लग रहा है। और जो किशन बना है, जो बच्चा, वो भी कितना सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ने जगन्नाथ जी रथ को हम लोग मौसिया घर में पहुँचा दिया है। और यहाँ पे भी भक्त लोग प्रसाद बांट रहे हैं, खिचड़ी और लाल चना उसे बांट रहे थे। तो सारे भक्त प्रसाद खा के बहुत आनंद ले रहे थे, हम लोग भी खाए। और जितना जन हम लोग भी गए थे, हम लोग भी सब खाए। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बना था। और अभी जगन्नाथ जी अपना मौसिया घर में जाएंगे, रेस्ट लेंगे, क्या करेंगे, उनका पूजा होगा, क्या होगा, और वो सब आपको मैं बाद में दिखाऊंगी और एक ब्लॉग बनाऊंगी उसके लिए, तो वहाँ जाके मौसी के घर में। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय जगन्नाथ।